बिल लेके आइए, बिल लेके आइए। आसानी से जा सकते हैं, 70 रुपया पर पर्सन, मतलब पर हेड। श्री संस्कार, ये पानी का बोतल बेचा जा रहा है लोगों को। वाइफ डिवोर्स हो गया है। ओहो हो। चले जाते हैं लेकिन अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। जब मेन्यू कार्ड में 90 रुपीज है तो ये 100 रुपये का बिल कैसे, आप लोग 100 का बिल कैसे बना दी ये बताइए ना हमको। क्या हालचाल है आप सभी के। सो आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12823 छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, दोपहर में 12:15 पे छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 7:40 पे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। अब हम लोग आ चुके हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और आज हम लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। स्लीपर क्लास में कोच है, S6 सीट चले, पहले ट्रेन आ जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें तुगलकाबाद का WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का और ये सामने में रही अपनी कोच S6। चाची हट जाइए, सीट है अपना। तो अभी ट्रेन जर्नी की शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही मतलब लोकल पानी बेचा जा रहा है। रेल लाइन के बारे में पूछे, भाई रेल नहीं रहे अभी नहीं चढ़ा, जबकि होगा पेंट्री में ऐसा नहीं है लोग, लेकिन दवा के लोकल पानी लोग बेच रहे हैं। कितना में दे रहा है? हाँ कितना में दे रहा है? 20। तो भाई इस ट्रेन में पेंट्री से देखिए श्री संस्कार ये पानी का बोतल बेचा जा रहा है, लोकल पानी का बोतल, वो भी 20 रुपया में। मैनेजर बोला है बेचने, मैनेजर बोला ये बेचने के लिए। हाँ ये लोकल पानी बेचिए, लोकल नहीं तो क्या, ये रेलवे अप्रूव्ड एक तो 20 रुपये में आप बेच रहे हैं, ऊपर से श्री संस्कार आप बेच रहे हैं, कहीं लगा हुआ है कि रेलवे का पानी है ये? अब आगा होगा रेलवे का पानी, कब चढ़ेगा? देखिए लोकल पानी बेच रहे हैं ये स्लीपर क्लास में, अब भाग रहे हैं। भाई 244 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का चौथा हॉल्ट, पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है PND और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन ये आता है छत्तीसगढ़ में, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 50 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और अमरकंटक जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पेंड्रा रोड, और अमरकंटक जो है ये एक तीर्थ स्थल है
पेंडारू रेलवे स्टेशन से अमरकंटक की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर की है। यहाँ से आप स्टेशन के बाहर जाइएगा, बस मिल जाएगा, बस स्टैंड से आप आसानी से जा सकते हैं। 70 रुपया पर पर्सन मतलब पर हेड चार्ज है अगर आप बस से जाते हैं अमरकंटक। तो 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पेंडारू रेलवे स्टेशन से। हम बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इतना क्राउड था ना, गेट जाम था, तो विंडो से निकल के वीडियो बना रहे थे। तो 294 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 5वां हॉल्ट अनूपपुर जंक्शन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। और यहां पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 5:05। और हम लोग जो ट्रेन है यहां पहुंची 1 घंटा 20 मिनट डिले। अनूपपुर ये मध्य प्रदेश में आता है, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 70 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है अनूपपुर रेलवे स्टेशन पे। वैसे अपनी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये टोटल 1274 किलोमीटर की दूरी तय करती है 10 हॉल्ट के साथ 19 घंटा 25 मिनट में। और भाई साहब यहाँ भी काफ़ी क्राउड है, मतलब उसलापुर के बाद से लगातार आपको स्लीपर क्लास में क्राउड देखने को मिल जाएगा, मतलब उतरना भी मुश्किल हो जाता है। कहाँ तक जाना? सैडोल तक। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉपेज है और थोड़ा सा मेरी मतलब सेड रूम है, वाइफ डिवोर्स हो गया है। ओहो हो, अलोन बैठे थी मगर खुश रहता हूँ। अलोन है? कितने दिन से अकेले हैं? 2020 से बेचारे अकेले हैं जी। डिवोर्स हो गया है इनका, तो थोड़ा उदास रहते हैं, तो बोले कि कुछ बातें रखना चाहते हैं आपके समक्ष। वीडियो अभी हमने ऑन किया, और कुछ बोलना है? और सब बढ़िया है, खुश रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो तो खुश रहना चाहिए। लाइफ में उतराव चढ़ाव तो होता ही है जी, क्या जी। जब भी रहिए खुश रहिए, ठीक। और आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। जय माता की जय। पेंट्री है ना जी? पेंट्री में स्टैंडर्ड वेज मिल तो मिला हुआ है ना, स्टैंडर्ड वेज मिल हो जाना चाहिए। हाँ, तो 2 स्टैंडर्ड वेज मिल करवा दीजिए। सीट नंबर 13? हाँ ये नंबर है ना, नहीं 23 नंबर सीट। तो अनूपपुर जंक्शन के बाद इस ट्रेन में पेंट्री से खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो अभी क्या कि खाने का ऑर्डर अभी पेंट्री का स्टाफ ले रहे थे, तो वेज थाली 130 रुपये में बेचा जा रहा है इस ट्रेन में पेंट्री से। तो हमने बोला कि भाई मुझे स्टैंडर्ड वेज मिल चाहिए, तो पहले तो वो इग्नोर किए, फिर लास्ट में वो एग्री हुए कि ठीक है स्टैंडर्ड वेज मिल जाएगा। देखिए जब हम बोले तब जाके ये एग्री हुए, वैसे ये ऑर्डर लेते नहीं है स्टैंडर्ड वेज मिल का, ये सीधा 130 का थाली का ऑर्डर लेते हैं। जबकि इनको क्या होना चाहिए कि इनको दोनों थाली का ऑर्डर लेना चाहिए कि भाई मेरे पास स्पेशल थाली भी है, मेरे पास स्टैंडर्ड वेज मिल भी है, लेकिन ये दोनों थाली में से सिर्फ एक ही थाली का ऑर्डर लेते हैं, जो कि गलत है।
तो 335 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का छठा हॉल्ट शहडोल रेलवे स्टेशन, जो कि आता है एमपी में, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। शहडोल रेलवे स्टेशन पे छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 5:45। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंच के 1 घंटा 30 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 70 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है, और मेजर माइनिंग हब है मध्य प्रदेश का शहडोल। साथ ही अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो कुटकी खीर यहां का फेमस डिश है, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि भाई कुटकी खीर क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था। चावल का टूटा हुआ दाना होता है ना, उसी का खीर बनता है, वो फेमस है इधर का। तो चैन पुलिंग कर दिया गया है इसी कोच में, अभी चैन पुलिंग कर दिया गया, मेरे ही कोच में चैन पुलिंग किया गया। लेकिन अब क्या है कि अंदर इतना क्राउड है ना कि गेट पे से हम जा भी नहीं सकते हैं। इसी बोगी में, हाँ इसी बोगी में। एक मोटी मोटी लेडी थी उनके साथ, मोटी मोटी लेडी। तो ये दो लोग पकड़े गए हैं, यही मतलब चैन पुलिंग किए थे। तो चैन पुलिंग के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है शहडोल रेलवे स्टेशन से, और जिन्होंने भी चैन पुलिंग किया तो वो पकड़े गए हैं। और यहाँ पे भाई साहब ट्रेन के मैनेजर और आरपीएफ में दोनों में विवाद हो गया था। मैनेजर बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, जबकि चाबी उन्हीं के पास था। तो 402 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 7वां हॉल्ट उमरिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UMR, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। उमरिया रेलवे स्टेशन ये आता है मध्य प्रदेश में, और यहां पर अपनी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 6:43, लेकिन आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 1 घंटा 50 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है उमरिया, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 48 ट्रेन आकर रुकती है। और उमरिया जो है ये जाना जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए। हम लोग उसलापुर से उमरिया पहुंच गए, अभी भी देखिए कोच का कंडीशन, यहीं पे खड़ा होके अभी जर्नी कर रहे हैं फिलहाल, ताकि हमको स्टेशन कवर करना है, नहीं तो अभी सीट पे चले जाते, लेकिन अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। जब अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे 2 मिनट के हॉल्ट पे।
अभी शाम के बज रहे हैं 8:45 और पेंट्री से आ चुका है हम लोग का स्टैंडर्ड वेज मील। और सबसे बड़ी बात पता है, जो मुझे 80 रुपये का थाली दिया गया ना, यही थाली कोच में 130 में बेचा जा रहा है, सभी कोच में कुछ अंतर नहीं है, सेम ही थाली। हम बोला कि चलो पनीर का सब्जी होगा, लेकिन ना सेम ही चीज़ है। और पूरी जर्नी के बाद अभी तक लोकल पानी भी बेचा जा रहा है, देखिए भैया के पास भी होगा लोकल पानी, अभी भाग रहे हैं, पूरा लोकल पानी दबा के बेचा जा रहा है। पहले खाना वाना खा लेते, उससे पानी जो है ना रेल नीर हम लोग लेके आए थे ऑलरेडी, ये देखिए ये रहा अपना रेल मिल। तो ये रहा इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मिल, जिसमें राइस पिकल, ये दाल और ये आलू मटर का सब्जी मिला है, साथ में ये पराठा है। इसमें एक एक्स्ट्रा पराठा दिया गया है क्योंकि इनके पास दही नहीं था, क्योंकि दही नहीं तो स्वीट्स देना कंपलसरी होता है, लेकिन वो नहीं था तो एक्स्ट्रा पराठा इन्होंने दिया है। दो थाली हम लोग मंगवाए थे, 100 रुपये देख लिए, एक तो थाली 130 का, अंडा बिरयानी भी 100 का, मतलब 90 का अंडा बिरयानी 100 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब 10 रुपये इस पर भी एक्स्ट्रा। हर चीज में स्कैम हो रहा है। अब ये वहाँ बोल सकते हो आप, मेरे को जो भैया क्या कहाँ बोल सकते हैं वहाँ क्वांटम। हाँ तो ठीक है, जाइए बिल लेके आइए, बिरयानी दर्द नहीं, बिल लेके आइए, बिल लेके आइए, बिल लेके आइए, चीज दिया है 100 रुपये मांगा, 100 रुपये मांगे करना ठीक है, तो बिल लेके आइए ना साहब, इसका बिल लेके आइए, आपको कंप्लेंट करना बराबर करो। हाँ ठीक, जो 100 रुपये का रेट है मैं उससे दे रहा हूँ अंडा, 100 रुपये का रेट, इसका बिल चाहिए, आप मुझको दे दो, 100 का बिल दो ना, बिल दो ना हमारे भाई साहब धंधे में, वो बिल दो भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक बिरयानी 100 का बिल इन्होंने कैसे दिया, 100 का बिल बना के। मेरे पास देखिए IRCTC का मेन्यू कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक बिरयानी 90 रुपीज़, जब मेन्यू कार्ड में 90 रुपीज़ है तो ये 100 रुपये का बिल कैसे। और देखिए कटनी मोरवारा रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है, तो यहाँ वाटर फिलिंग किया जा रहा है। और स्टेशन हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक देखिए मतलब तो 1 मिनट हो गया ट्रेन का यहाँ रुके हुए, अभी तक लोग जा ही रहे हैं, पूरा पैसेज में पैसेंजर हैं, तो भाई ये लोग जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हम कैसे जाएंगे। हाँ बताइए क्या बात है, कंप्लेंट करी थी ना, कंप्लेंट की लोकल पानी का। अच्छा हाँ, लोकल पानी दवा दवा के बोरा में भर भर के गरीब को जो आप लोग लूट रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी जर्नी के दौरान लोकल पानी 20 में बेच रहे हैं। हाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बताइए, प्रूफ है मेरे, हर मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, बिना प्रूफ का हम नहीं बात करते हैं, ठीक है। कौन बेच रहा है, वीडियो भी है मेरे पास, दिखाओ ना सर, वो हम दिखाएंगे, अब वो भी दिखाएंगे, बिना प्रूफ का हम नहीं भेजे हैं, वीडियो भी हम आगे फॉरवर्ड किए हैं, बिना प्रूफ का नहीं भेजे हैं। और ये मुझे बताइए IRCTC का मेन्यू है, 90 रुपये का अंडा बिरयानी होता है, आप 100 रुपये में किस तरह से बेच रहे हैं, 100 का बिल आप कैसे दिए बताइए आप, तो ऐसा मत कीजिए, गरीब को मत लूटिए। 90 का अंडा बिरयानी 100 में, स्टैंडर्ड वेज आपका स्टाफ आता है खाने का ऑर्डर लेने के लिए, कभी वो बोलता है कि स्टैंडर्ड वेज मिल है मेरे पास। ये है आपका देखिए 90 रुपये वाला बिरयानी, जो कि 100 रुपये का बिल हमको दिया गया है, वो भी कंप्यूटर वाला बिल नहीं है आपका, हाथ से लिख के दे दिया गया, हमको लगा कि नॉर्मल पैसेंजर है दे देते हैं, मैनेज हो जाएगा, ये ठीक है। खाना का थाली जो दिया गया स्टैंडर्ड मीज, उसका क्वालिटी कैसा है आप चेक किए कभी, नहीं किए। आलू कच्चा है, रोटी कच्चा है, चावल कच्चा है, रोटी तो बाहर से आती है, रोटी चलिए बाहर से आती है, सब्जी कैसा था, सब्जी कच्ची है क्या, आलू सिर्फ आलू को सिर्फ आलू दिया गया, उसको भी कच्चा दिया गया, बताइए क्वांटिटी, आप लोग क्वालिटी चेक नहीं करते हैं, पैसेंजर को सीधा दे देते हैं, चेक नहीं करते हैं सर जी, चेक करते तो ये हाल ही नहीं होता, चेक करते तो ये हाल नहीं होता, ठीक है, ये बात है। नहीं इसमें कुछ नहीं होगा सर, देखिए कंप्लेन हम वापस नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा अकेला का सवाल नहीं है, मजदूर लोग ट्रैवल करता है स्लीपर में, किसान लोग ट्रैवल करता है जनरल में, लोकल पानी बेचा जा रहा है 20 का, कहाँ से कोई खरीदेगा बताइए जी। चलिए आपके पास नहीं है रेल नीर, तो नॉर्मल पानी 15 का बेचिए, एक तो आप लोकल बेच रहे हैं ऊपर से 20 का बेच रहे हैं, खाना बताइए कोई कहाँ से खरीद पाएगा, 120 का थाली, 80 का थाली अलाउ रहता है, आप लोग 120 का बेच रहे हैं, 80 का नाम ही नहीं लेते हैं, आप लोग कहाँ से खरीद पाएगा, बहुत लोग भूखे रह जाता है। आपको बोल लगता है कोई 80 वाला मांगे, 80 हम तो बताओ, 80 वाले बोलता ही नहीं है, हम तो देखते हैं ना पैसेंजर ट्रैवल करता है, चूरा दाल बूट खा के ट्रैवल करता है, बिस्किट खा के ट्रैवल करता है, अगर आपको सही रेट बताया जाए कि 80 की थाली होती है तो वो खरीदेगा थाली,
लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं। सीधा आपका स्टाफ सीना जोड़ के बोलता है कि 100 का बिरयानी है। बताइए, हम उसको बोल रहे हैं 90 का है 90 का, तो बिल दे देंगे, बिल भी आ गया, फेक बिल आ गया, 100 रुपया का बिल आ गया। बताइए, तो बिल भी आप लोग कैसे बना दिए 100 का? ये तो स्टाफ का गलती नहीं है, ये तो आपका गलती है ना, मैनेजर का गलती है कि 100 का बिल क्यों बना जब 90 का है। तो नहीं तो नॉलेज कौन देगा, नॉलेज कौन देगा ये बताइए ना, आप लोग दीजिएगा ना, कौन देगा नॉलेज, कौन बताएगा ये? आप लोग 100 का बिल कैसे बना दिए ये बताइए ना हमको। तो चलिए, वो स्टाफ का गलती था, आप लोग 100 का बिल कैसे बना दिए? क्या हम भी एसी में जाएंगे बैठ के आएंगे, लेकिन एसी में पता ही नहीं चलेगा ना, एसी में आप लोग करते नहीं है ना कुछ, उनको पता है कि भाई पैसेंजर किस क्वालिटी का ट्रैवल करता है एसी में, वहाँ कुछ होता है तो भाई मिल जाएगा। स्लीपर में तो गुरबक है पैसेंजर को पता ही नहीं है, तो क्या चल गुरबक है तो और गुरबक बनाओ, गरीब है तो और उसको लूटो। मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। यहाँ अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और अपनी ट्रेन जो है ना 3 घंटा डिले चल रही है अपने टाइम से। वैसे रात में ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किए, सो गए, रात का स्टोरी आपको बता देते हैं। पहले तो मैनेजर आए थे, बैंट्री के मैनेजर स्टाफ, वो बोल रहे थे कंप्लेन वापस करने को, लेकिन हमने कंप्लेन वापस नहीं किया, कंप्लेन नहीं वापस किए। 2-3 बार फोर्स की कंप्लेन वापस कर दी नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे ऊपर फाइन लग जाएगा। बोले नहीं, गलती आप किए हैं, इस बार कंप्लेन वापस नहीं होगा। तो हमने कंप्लेन वापस नहीं लिया, तो उनके ऊपर जो भी है फाइन जो होता है पेंट्री के ऊपर, वो फाइन लगाया गया है। फ़ोन आया था IRCTC के हेड ऑफिस से, वो बोल रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो भी गया। उसके बाद फिर हम सो गए, लेट हो गया था रात में, और अभी जस्ट नींद खुली तो पता चला भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा और ट्रेन 3 घंटा डिले हो चुकी है। वैसे बगल में देखिए समता एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है जो कि विशाखापट्टनम से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो हम लोग यहाँ पहुंचाई है 3 घंटा 30 मिनट डिले से। आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:40, हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 11:00।
तीस मिनट, 11:30 बजे हम लोग पहुँचे। अगर मैं बात करूँ साफ सफाई की, तो इस ट्रेन का साफ सफाई उतना बढ़िया नहीं है। स्लीपर क्लास का पूरी जर्नी के दौरान एक बार भी वॉशरूम की साफ सफाई नहीं हुई है और न ही कोच की साफ सफाई हुई है। आप भी ट्रैवल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम ऐसे ही बात नहीं बनाते हैं। जब ट्रैवल करते हैं ना, तो अपना जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना, वही शेयर करते हैं। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई बनावटी हम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप भी ट्रैवल कीजिए, पूरी जर्नी कीजिए स्लीपर क्लास में, आपको भी इस ट्रेन की सच्चाई पता चल जाएगी। और पेंट्री में स्कैम जो हो रहा है ना इस ट्रेन में, एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। मतलब एक लिमिट होता है ना, लिमिट भी क्रॉस है। फेक बिल बना के दिया जा रहा है, बताइए 90 का बिल 100 का बना के दिया जा रहा है। कंप्लेन करने के बाद मैनेजर आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। लोकल पानी बोरा में भर भर के पूरा जर्नी के दौरान बेचा गया। कंप्लेन होने के बाद आते हैं मैनेजर, बोलते हैं कंप्लेन वापस कर लीजिए, अगली बार से नहीं होगा। ऐसे कैसे वापस कर ले भाई, एक बार वापस कर ले, दो बार कर ले, बार बार नहीं चलेगा ना। कंप्लेंट हमने वापस नहीं किया। अब इनके ऊपर जो भी है कार्रवाई, फाइन वगैरह लगता है पेंट्री के ऊपर, वो लगा होगा। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। और हाँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हमने जो आपको बताया है, जर्नी एक्सपीरियंस शेयर किया है, अब देखिएगा कि हमने जो बताया थाली के बारे में, हमने जो चीज़ दिखाया, आप भी शायद सेम चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे मेरे समझ से। अगर नहीं किए हैं ट्रैवल, फ्यूचर में ट्रैवल कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मोनू भाई ने जो चीज़ भी दिखाया है, छोटी से छोटी जानकारी इस ट्रेन के बारे में हमने जो आपको दिया, वो कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो जर्नी तो कमेंट कीजिएगा यार ऐसा, साथ ही लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में ना कंजूसी कर देते हैं भाई साहब, लाइक कीजिए तभी तो मोटिवेट होंगे। बताइए हम किसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं। हमको भी तो कोई शौक नहीं है कि भाई कंप्लेन करना, मैनेजर से बहस करना, ये सब चीज़, क्योंकि ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग अवेयर होइएगा। अभी ट्रैवल कीजिएगा फ्यूचर में, तो आपको ही पता चलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, रेल मदद एप्लीकेशन, हर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जितने मेरे फैमिली मेम्बर, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबके फ़ोन में होना है भाई। रेल मदद एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सीट पर बैठ के कंप्लेंट कीजिए, ये होना मांगता है आप उनको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। Thank you.